वही भीषण गर्मी के बीच मंडल मुख्यालय पौड़ी में लोगों को लगातार पानी की समस्या जूझनी पड़ रहा है। आलम है यह है कि दो दिनों तक नलों से पानी नहीं आने की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लोगों का आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से निपटने के लिए विभाग द्वारा तो तमाम दावे पेयजल आपूर्ति के लिए किए जा रहे हैं, मगर ये दावे धरातल पर कभी नहीं नजर आते, जिसके कारण पौड़ी के विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोतों पर लोगों की लगातार लंबी कतारें देखने को मिल रही है। नमस्कार, आज हम यहाँ पे कुछ महिलाओं के साथ पानी की दिक्कत को देखते हुए पौड़ी में जिस प्रकार से 10 दिन हफ्ते दिन से पानी की किल्लत चल रही है, और इसी समस्या को लेकर के हम आज एक्शन सर श्री राय जी के पास आए हुए हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि पानी पौड़ी में प्रॉपर रूप से दिया जाए, और यदि पानी प्रॉपर रूप से न मिले तो हम आगे इसमें और भी एक्शन ले सकते हैं। जो लगातार मिल रही शिकायतें उस क्रम में उनकी वेतन हरण पर भी रोक लगाई गई है, और इसमें ऐसी साहब को भी हमारी तरफ से नोटिस सर्व किया जा रहा है, और कुछ जगह का स्पॉट इंस्पेक्शन भी मैं मेरे स्तर पे कर रहा हूँ, और SDM और EO नगर पालिका के माध्यम से भी ग्राउंड ट्रूथिंग की जा रही है। इस संबंध में उनके लिए निर्देश यही है विभाग के लिए कि शीघ्र अतिशीघ्र जलापूर्ति की समस्या